एंड वेलकम बैक लर्नर्स। वेरेमी पे चल रहा है यूनिट 9 का क्विक रिवीजन या क्विक रिकॉलिंग, जो भी कह लो आप, वो सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं यूनिट 9 का सेक्शन ही, जिसमें आ रहा है ऑर्गेनिज्म ऑफ हेल्थ एंड एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंस। और आज इस सेक्शन में हम कवर करने वाले हैं डोमेस्टिक क्रॉप्स के बारे में। डोमेस्टिक क्रॉप्स क्या होते हैं? डोमेस्टिक क्रॉप ऐसे क्रॉप्स हैं जो हम यूज टू हैं इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंस की वजह से, चाहे वो राइस हो, वीट हो, बार्ले हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंगो हो, ये सारे क्या हैं? डोमेस्टिक क्रॉप्स हैं हमारे। तो किस रीजन में ये डोमेस्टिक क्रॉप सबसे ज़्यादा उगाए जाते हैं, तो हम वो चीज़ यहाँ पे देखने वाले हैं। तो अगर बात करें हम पंजाब की, तो पंजाब में सबसे ज़्यादा क्या उगाया जाता है? रोटियों के लिए गेहूँ। हमारी रोटियों के लिए जो गेहूं है वो सबसे ज्यादा उगाए जाते हैं कहाँ? पंजाब में। तो वीट, जिसको हम साइंटिफिक नेम क्या कह रहे हैं, ट्राइटिकम एस्टिवम। अब ऐसा नहीं है कि ट्राइटिकम एस्टिवम लिख के पंजाब आ जाए, मतलब वीट लिख के पंजाब आ जाएगा। हो सकता है ट्राइटिकम एस्टिवम लिख के आ जाए, तो आपको समझना होगा कि ये नाम जो है वो वीट के लिए यूज किया जाएगा हर जगह, तो वो है पंजाब। तो यहाँ पंजाब की जो मेन खेती होती है वो होती है गेहूं, चावल और गन्ना। गेहूं, चावल और गन्ना, इसके अलावा मक्का भी है। हरियाणा में भी सेम है, यहाँ पे गेहूं है, चावल है और उसके अलावा है सरसों का साग। तो हरियाणा में मस्टर्ड की भी खेती होती है। इसके बाद है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है वो शुगर केन के लिए तो बहुत ज्यादा जानी जाती है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे शुगर मिल्स है, शुगर केन की खेती यहाँ पे होती होती है। प्लस और क्या उगाते हैं हम? राइस और वीट उगाते हैं। इसके बाद है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइसिन मैक्स। वीट होता है, वीट और ग्राम भी होता है, चने, चने, सोयाबीन और गेहूं, ये मध्य प्रदेश का है। इसके अलावा कॉटन भी जो है, कॉटन भी मध्य प्रदेश में उगाया जाता है। कॉटन महाराष्ट्र में भी उगाया जाता है। और महाराष्ट्र की जो मेन क्रॉप्स हैं वो हैं शुगर केन, कॉटन और राइस। क्या हो गया? शुगर केन, कॉटन एंड राइस। उसके बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में सबसे ज्यादा चावल की खेती होती है। उसके बाद जूट है और पोटैटो है, आलू और चावल और जूट। तो यहाँ पे आप चावल और चोखा, आलू का चोखा बना के खा सकते हो, चावल या आलू का भुजिया बना के खा सकते हो। तो वेस्ट बंगाल जो है राइस और पोटैटो और जूट के लिए फेमस है। इसके बाद है गुजरात। गुजरात में मूंगफली, मूंगफली की खेती होती है, जिसको हम बोलते हैं ग्राउंड नट या पीनट बोलते हैं। और राइस, राइस की खेती होती है और कॉटन की खेती होती है। तो कॉटन कहाँ कहाँ होगा? कॉटन होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन होता है। अब आप ये चीजें याद रख कर लोगे। इसके बाद आती है राजस्थान। राजस्थान में जो है मिलेट, पर्ल मिलेट जो है उसकी खेती की जाती है। तो ये स्पेशल रहा राजस्थान के बारे में, पर्ल मिलेट की खेती यहाँ पे की जाती है। इसके अलावा वीट और मस्टर्ड भी राजस्थान में उगाए जाते हैं। फिर तमिलनाडु, तमिलनाडु में राइस, शुगर केन एंड बनाना, बनाना की खेती होती है। फिर अगर हम कर्नाटका में बढ़े, तो कर्नाटका में चावल, गन्ना और ग्राउंडनट, जो कि मूंगफली है या पीनट है। तो राइस, पीनट एंड शुगर केन की खेती जो है वो कर्नाटक में की जाती है। इसके बाद आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में वापस से राइस, शुगर केन और ग्राउंडनट जो है उसकी खेती होती है। तो अब आप जरा देखो कि ग्राउंडनट कहाँ कहाँ होता है। तो ग्राउंडनट होगा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, ये जगह और आंध्र प्रदेश, ये जगह जो है वो ग्राउंड नट के लिए है। फिर उसके बाद आता है केरल। केरल जो है वो बनाना, अपने बनाना चिप्स के लिए केरल बहुत फेमस है। तो क्यों? क्योंकि वहाँ बनाना बहुत ज्यादा होता होगा, तभी तो वो इतने सारे बनाना चिप्स बनाते हैं। फिर उसके बाद कोकोनट और रबर, रबर की खेती के लिए केरल बहुत फेमस है। तो रबर आपको याद रखने हैं। इसके बाद जो है आप फ्रूट्स के बारे में देखोगे, केरला में क्या क्या है? कोकोनट, रबर,
केरला में है कोकोनट, रबर और बनाना। बनाना के बारे में बात कर लिया हम, बनाना चिप्स याद रखने के लिए। रबर के लिए आप याद रख सकते हो, रबर किसने किसने कितने बचपन में पेंसिल के छिलके से रबर बनाने की कोशिश की है, 19 किड, है ना, 19 किड जिनने क्या किया था, पेंसिल के छिलके से रबर बनाने की कोशिश की थी। किसी की नहीं बनी होगी, लेकिन ये एक क्या है, एक वायरल स्टेटमेंट है कि पेंसिल के छिलके से रबर बन जाती है। तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं बनती है। बनती है रबर किससे, हीविया ब्रासिलिस ट्री से। ट्री के बाग को जब काटा जाता है तो उसमें से ये रबर जो है निकलती है, और इसकी खेती होती है केरला में। अब हम बात करेंगे फ्रूट्स के बारे में कि किस इंडिया के किस रीजन में कौन सा फ्रूट बहुत कॉमन है, सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो देखा जाए तो अगर पंजाब की बात करें हम सबसे पहले, तो यहाँ साइट्रस फ्रूट जो है वो बहुत कॉमन है। इसके अलावा गुआवा और मैंगो। मैंगो में कौन सा मैंगो जो है कॉमन है, यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका नाम है। अब साइट्रस फ्रूट की बात करें तो सबसे ज्यादा किन्नो किन्नो जो है सबसे ज्यादा साइट्रस फ्रूट में भी यहाँ पे पॉपुलर है। इसके अलावा गुआवा हमने बोल देख ही लिया, और मैंगो है। अगर हरियाणा की बात करें तो पंजाब हरियाणा दोनों में ही साइट्रस फ्रूट में किन्नो, जिसको साइट्रस रेटिकुलेटा बोलते हैं, फेमस है। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो ये फेमस है मैंगो के लिए, गुआवा के लिए, आंवला के लिए। अब मैंगो में भी कौन सा मैंगो, यहाँ पे दशहरी और लंगड़ा वैरायटी जो है वो बहुत कॉमन है। लंगड़ा जो है वो GI टैग है वाराणसी का। तो इस तरह से दशहरी और लंगड़ा जो है उत्तर प्रदेश की वैरायटी हो गई। अब महाराष्ट्र के बारे में बात करेंगे, महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में मैंगो, मैग्नीफेरा इंडिका। यहाँ पे मैंगो की कौन सी वैरायटी फेमस है, यहाँ पे मैंगो की अल्फांसो वैरायटी जो है वो बहुत फेमस है। इसके अलावा बनाना है और ग्रेप्स है। अगर वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ मैंगो, लीची एंड बनाना है। लीची और मैंगो की कौन सी वैरायटी, हिम सागर वैरायटी वेस्ट बंगाल में मोस्ट कॉमन है। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में मैंगो, सपोटा और पपाया जो है कॉमन है। और मैंगो की कौन सी वैरायटी, केसर मैंगो। यहाँ पे कौन सी वैरायटी फेमस है, केसर मैंगो यहाँ पे फेमस है। अब इसके बाद बात करेंगे अदर इंडियन स्टेट की, जिसमें आता है राजस्थान। राजस्थान जो है यहाँ पे गुआवा, अनार और बेर। गुआवा, अनार और बेर, अमरूद, बेर और अनार, ठीक। साइडम गुआवा, बेर, जिजिफस मॉरिशियाना और पोमेग्रेनेट, क्या बोलते हैं, पुनिका ग्रेनेटम, पुनिका ग्रेनेटम। तो ये तीन चीजें राजस्थान की फेमस है। फिर तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ भी मैंगो, बनाना और जैक फ्रूट मतलब कटहल, तो ये यहाँ पे फेमस है। और मैंगो की कौन सी वेराइटी, सलेम एंड तोतापुरी, सलेम एंड तोतापुरी। तो तमिलनाडु में सलेम और तोतापुरी वेराइटीज जो है वो फेमस है। इसके बाद बारी आती है कर्नाटक की, यहाँ बनाना, मैंगो और पोमेग्रेनेट, यानी कि केला, आम और अनार। अब मैंगो में कौन सा है ये वैरायटी आपको याद रखनी है, यहाँ पे रसपुरी और बादामी। कर्नाटक में रसपुरी और बादामी वैरायटीज जो है वो फेमस है। अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में भी मैंगो, बनाना और गुआवा ये जो है कॉमन है। और यहाँ पे बंगन पल्ली एंड केसर वैरायटीज जो है कॉमन है। केरला में बनाना, जैक फ्रूट एंड पाइनएप्पल। हिमाचल में, हिमाचल के बारे में सब जानते हैं, ये एप्पल, प्लम, पीचेस इनके लिए रिच जगह होती है। तो एप्पल है, प्लम है और एप्रिकॉट और पीचेस होते हैं। एप्पल में भी यहाँ पे एप्पल की वैरायटी होती है रेड डिलीशियस एंड गोल्डन डिलीशियस। कौन कौन से, रेड एंड गोल्डन डिलीशियस एप्पल्स यहाँ पे कॉमन होते हैं। प्लम्स में अगर बात करें तो प्लम्स में यहाँ पे सतलुज, पर्पल और सेंटा रोजा दो वेराइटीज हैं। हिमाचल में अगर प्लम की बात करें तो सतलुज, पर्पल एंड सेंटा रोजा ये दो कॉमन वेराइटीज हैं। एप्रिकॉट इसके अलावा और होता है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर अपने लाल सेबों के लिए जाना जाता है। तो यहाँ एप्पल की कौन सी वेराइटी होती है, यहाँ वेराइटी होती है डिलीशियस एंड आमरी। कौन सी, डिलीशियस एंड आमरी वेराइटी जो है यहाँ पे कॉमन है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में वॉलनट, जो कि हम जानते हैं अखरोट, अखरोट जिसको बोलते हैं, वॉलनट के लिए फेमस है, एप्पल के लिए फेमस है और
अपने चेरीज के लिए भी जम्मू कश्मीर बहुत ज्यादा फेमस है। अब हम वैरायटीज ऑफ राइस की बात करेंगे। हमने फ्रूट्स की बात कर ली, हमने अपने सेरल क्रॉप्स की बात कर ली कि कौन से रीजन में कौन सा सेरल क्रॉप फेमस ज्यादा उगाया जाता है, और हमने फ्रूट्स की बात कर ली कि कौन से फ्रूट कहाँ के फेमस हैं। ऐसे ही अगर हम बात करें वैरायटी ऑफ राइस की, तो बासमती राइस जो है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ पार्ट में उगाया जाता है। ऐसे ही अगर हम नॉन बासमती लेकिन लॉन्ग ग्रेन राइस की बात करें, तो ये हमको मिलता है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र में। इसके अलावा अगर हम सोना मसूरी की बात करें, तो ये साउथ के रीजन्स में जो कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उगाया जाता है। इसके बाद आती है पूसा बासमती। पूसा बासमती जो है वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ उत्तर के राज्यों में उगाई जाती है। इसके बाद एक और वैरायटी है जिसको हम बोल रहे हैं IR 64, ये भी साउथ में उगाई जाती है, ये साउथ इंडिया में उगाई जाती है, जो कि है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड उड़ीसा। इसके बाद स्वर्णा है। स्वर्णा भी साउथ में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और नॉर्थ में छत्तीसगढ़ में उगाई जाती है। इसके बाद जया है। जया तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और सदर्न स्टेट्स में उगाया जाता है। इसके बाद है पौनी। पौनी भी साउथ के स्टेट्स में उगाया जाता है, जिसमें क्या है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र आते हैं। इसके बाद आता है अम्बे मोहर। अम्बे मोहर जो है, अम्बे मोहर जो है वो महाराष्ट्र का मेन वैरायटी है राइस का। इसके बाद है काला जीरा राइस, वो भी वेस्ट बंगाल का हो गया। गोविंद भोग, गोविंद भोग इज ऑल्सो बिलोंग टू वेस्ट बंगाल। और इसके बाद आता है काला नमक राइस। काला नमक राइस बिलोंग करता है ईस्टर्न उत्तर प्रदेश से, जिसमें आता है लखनऊ, गोंडा, गोरखपुर, नेपाल के रीजन जो है वो, नेपाल से सटे हुए इलाके जो है वो काला नमक राइस की खेती करते हैं। तो यहाँ हमने खत्म कर दिया वैरायटीज ऑफ राइस और बहुत सारे क्रॉप प्लांट जो कि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं। इसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि क्रॉप प्लांट्स और उनकी ओरिजिन कंट्री कौन सी है। इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार कि ये अगर मूंग बीन है तो इसका ओरिजिन कंट्री कौन सा है, पोटैटो है तो उसका ओरिजिन कंट्री कौन सा है। तो अपने को बहुत सारे प्लांट क्रॉप्स की ओरिजिन कंट्री याद रखनी होगी, जो कि डिफरेंट होंगे इंडिया से, हो सकते हैं इंडिया के भी हों और कुछ जो होंगे, बहुत सारे होंगे वो इंडिया से बाहर के होंगे। तो आपको याद रखना होगा कि वो क्रॉप प्लांट्स उनकी ओरिजिन कहाँ से हुई है, टोमेटो की ओरिजिन कहाँ से हुई है, पोटैटो की ओरिजिन कहाँ से हुई है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। नॉलेज का दामन छूना हुआ आसान, फिर चाहे वो लेक्चर सिर्फ या PhD का अरमान, हमारे पास से आपके हर एक मुश्किल का समाधान, हम पूरा करवाएंगे आपका हर वो अरमान। वेद में लेकर आया है डिटेल कोर्स फॉर CSIR 2024 एग्जामिनेशन। मिलेगा यहाँ आपको सब कुछ, न्यू पैटर्न के लेक्चर्स, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, PDF नोट्स और भी बहुत कुछ। वेद में, क्योंकि हर सपना हमारा है अपना। एनरोल नाउ एंड विजिट वेद में वेबसाइट एंड डाउनलोड द ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर। यूज करिए कोड WED20 फॉर गेटिंग द 20% डिस्काउंट। WED में, एजुकेटिंग इंडिया। WED में, एजुकेटिंग इंडिया।